तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं यह लक्ष्मी माता का आसन है। ग्रामीण अंचल में खासकर ऐसे आसनों में ही लक्ष्मी माता को स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। अगहन महीने में लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसको लेकर राजधानी रायपुर के पंडित मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं आइए आपको बताएंगे। इसको लेकर पहले आपको ये भी बता दें कि अगहन महीने में लक्ष्मी माता की विशेष विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं कैसे और किन स्थानों पर लक्ष्मी माता को स्थापित करना चाहिए। इसको लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे सनातन परंपरा में पूरे वर्ष भर कोई ना कोई तीज त्यौहार व्रत जो है मनाई जाती है, जिसमें विशेष करके श्रावण मास पूरे शंकर जी के लिए 11 दिन का गणेश पर्व आता है, माता जी का पर्व 9 दिन का नवरात्रि आता है, पितरों के 15 दिन आते हैं। उसी तरह भगवती माँ लक्ष्मी जी के लिए विशेष करके हमारे सनातन हिंदू धर्म में अगहन महीना को, जिसको मार्गशीर्ष भी बोली जाती है, इसमें विशेषकर गुरुवार का दिन जो है बहुत ही धूमधाम से पूजन पाठ के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत ही परंपरा पूर्वक इसको मनाई जाती है, जिसमें बुधवार के दिन रात तक माँ भगवती लक्ष्मी की स्थापना पूजन कक्ष से लेकर के पूरे घर को साफ सफाई की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से पूरे घर को लीपा जाता है, दरवाजे से लेकर के पूजन कक्ष तक अल्पना रंगोली बनाई जाती है जो कि आटे के चावल के घोल से बनी रहती है। इस तरह से बुधवार को पूरी रंगोली इत्यादि डाल करके साज सज्जा सजावट किया जाता है। फिर आती है गुरुवार का ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें त्रिकाल पूजा का महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के पहले ही जो घर में लक्ष्मी रखते हैं वो दंपति उठ करके स्नान करके भगवती माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं। सुंदर एक कुर्सी में चौकी आसन में माँ भगवती लक्ष्मी जी की मूर्ति कलश इत्यादि स्थापना करते हैं, सुंदर आसन लगाते हैं, आम का पत्ता रखते हैं, आंवले का पत्ता रखते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की परंपरा है कि रखिया कुम्हड़ा जिमी कांदा इत्यादि इत्यादि नया धान जो आई रहती है उनको भी लक्ष्मी स्वरूपा मान करके पूजा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की पूजन आरती के बाद आती है मध्यान्हकालीन पूजन, जिसमें नए चावल से बने हुए पकवान, जिसमें दूध फरा है, खीर है, चीला है इत्यादि को बना करके माँ लक्ष्मी जी की भोग लगाई जाती है। उसके बाद सायंकालीन बेला में संध्या आरती की जाती है। इस दिन को लोग बहुत ही विधि विधान से मानते हैं। इस दिन अपने जेब से कोई पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, पोछा नहीं किया जाता, कई लोग बर्तन नहीं धोते हैं, कई लोग इस दिन साबुन से स्नान नहीं करते हैं, कंघी नहीं करते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, बहुत सारी नियमों को मान करके भगवती लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है।